मऊ में इसे घोर कलयुग का प्रमाण कहिए या आजकल के स्वार्थी जीवन का प्राय, जहां शादी के बाद पति पत्नी एक साथ जीवन भर साथ रहने की कस्में खाते हैं, पति पत्नी के हर सुख दुख में साथ निभाने के वादे करते हैं, लेकिन मऊ जनपद में पिछले दिनों मतलूपुरा मोड़ पर नगर पालिका के सफाई कर्मी की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। लेकिन पुलिस ने जब हत्या के पीछे की जांच पड़ताल की तो पूरी घटना के पीछे की वजह ही कुछ और रही। बकौल सीओ सिटी राजकुमार के अनुसार दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत विगत दिनों मतलूपुर मोड़ पर सफाई कर्मी फयाज की हत्या के लिए थाना दक्षिण टोला के प्रभारी विनय सिंह को लगाया गया था। जांच के बाद यह पता चला कि फयाज की हत्या उसकी ही पत्नी ने अपने पुराने आशिक के साथ मिलकर की है। मुखबिर की सूचना पर दसई पोखरी से मोहम्मदाबाद के बरईपुर के आफताब और फयाज को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है, क्योंकि फयाज की सिर्फ 6,000 वेतन पर नगर पालिका में नौकरी करता था। फयाज को मुंह के कैंसर की बीमारी थी और इतने कम पैसे से इलाज नहीं हो पा रहा था। आफताब ने फयाज को रास्ते से हटाने के लिए फयाज की पत्नी और पूर्व प्रेमिका को राजी कर फयाज की हत्या कर दी। मऊ से एचएन आजमी की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। अन्य लोगों से जब बयान दिया गया पूरे घटने का सिलसिलेवार तरीके से, चार टीमें लगा के इसका अध्ययन कराया गया, काफी फॉरेंसिक एविडेंस भी लिए गए, इसमें ये पता चला कि जो फयाज था, मृतक फयाज, ये काफ़ी बीमार, एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित था, काफ़ी कम पैसा कमाता था, 6,000 रुपये की संविदा पे अगर नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद पर कार्य करता था। उसकी पत्नी निशा थी, अपने प्रेमी आफ्ताब पुत्र जुल्फिकार बरईपुर के साथ काफ़ी घनिष्ठता थी, और अब वो इस परिस्थिति से, गरीबी से निकलना चाहती थी, तो इसके पूर्व प्रेमी ने इसको प्रलोभन दिया कि चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चली चलो, हम लोग बम्बई में चल के मैं भी अपना घर द्वार छोड़ देता हूँ, उनका बात कराने वाला था, तो मैं सीधे चलता हूँ बम्बई, वहाँ मेरे साथ। लेकिन अब क्योंकि उसमें पति आड़े आता था, पति छोड़ना नहीं चाहता था, तो इसलिए पत्नी ने सारा ये प्लानिंग रची अपने प्रेमी आफ्ताब के साथ मिलकर, और उसने आफ्ताब की मदद सुफियान अहमद पुत्र इसरार बरईपुर मोहम्मदाबाद, जो वहीं का रहने वाला है, उसके आफ्ताब के घर के पास का, उसी के घर के जस्ट बगल में ये मृतक की पत्नी निशा भी रहती है, इन लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। घटना में पूरी मोटरसाइकिल की बरामदगी भी कर ली गई है, आफ्ताब गिरफ्तार कर लिए गए, सुफियान और निशा सभी गिरफ्तार। कॉन्स्पिरेसी है 120 की मिली थी, हथियार को इन लोगों ने भागते समय आगे बख्तावरगंज का पुल है, कमसा नदी में फेंक दिया, उसको बरामदगी का प्रयास किया।